बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके MCQs मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नहायत ईजी पेपर आया है। बात करूँ ऑब्जेक्टिव की तो बहुत आसान आया है, फिंगर टिप से बच्चों को आ रहा था, बहुत ईजी था। इसी तरह ही सब्जेक्टिव भी बहुत ही आसान आया था। मुझे लगता है कि फेडरल बोर्ड वाले ये जो है SLO बेस्ड पेपर बना रहे हैं। ये तो अजीब से पेपर था कि बिल्कुल ही सिंपल पेपर उन्होंने दिया है। एनीवेज बात करते हैं करेक्ट MCQs की, कि जो अभी करंट 12 MCQs हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन या MCQs जो है वो सही है। अगर पहले MCQs की बात करें तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द एलिमेंट सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी हमें पता है। हाउ मेनी ब्लॉक्स, तो 4 ब्लॉक्स हैं SPDF। और विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास किसका, रिबीडियम का ज़्यादा है, RB। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एज डिक्रीजेज एलिमेंट्स ऑफ बेस डुप्लेट रूल, तो हाइड्रोजन डुप्लेट रूल एक्सप्रेशन वी मल्टी डायरेक्टिविटी, ये चार्ल्स ला है। नेम द स्टेट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विच फ्रॉम द लिक्विड इज लिक्विड एंड सॉलिड इज सॉलिड, तो ये सॉलिड है। और इन द गिवन रिएक्शन विच एलिमेंट इज बीइंग रिड्यूस्ड, ZNO+H2, तो इसमें ZN है। और कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CR, तो इसकी आपको मालूम है बहुत ही आसान है, +6 है। और लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटल, तो कैल्शियम जो है वो मेटल है, कैल्शियम मेटल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सारे MCQs जो है वो ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं दुरुस्त। आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन और MCQs जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन और MCQs जो है वो गलत है। इस तरह आप अपना सेल्फ वैल्यूशन करें। सारे MCQs चेक करें, बहुत ही आसान MCQs थे और मुझे बहुत ही ईजी पेपर लगा। अब आप देखें कि आपको पेपर कैसा लगा, ईजी लगा, मुश्किल लगा। आप अपने MCQs को देखें, एक बार रीड आउट करें और चेक करें कि आया आपने 12 में से कितने नंबर दिए हैं। किसी ने 12 में से 11 लगे होंगे, किसी के 12 में से 12 भी आए होंगे। समटाइम्स बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि उनको MCQs की स्टेटमेंट याद नहीं रहती, और कभी उनको MCQs का ऑप्शन नहीं याद हो रहा, कभी उनको ये नहीं पता होता कि ऑप्शन मैंने कौन सा सही राइट लगाया। तो मैंने MCQs के ऑप्शंस राइट ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपका कौन से मार्क्स हैं वो सही हैं और आपने कितने मार्क्स करेक्ट हासिल किए हैं। तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। आज मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।